प्रयागराज के अटाला पर हुए उपद्रव में मास्टरमाइंड को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। इस पूरे बवाल के लिए पुलिस को सबसे ज्यादा शक कब्रिस्तान कमेटी के इंतजामकार जावेद उर्फ पंप पर है। पुलिस ने जावेद को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में जावेद से कई अहम सबूत पुलिस को मिले हैं। एसएसपी अजय कुमार के मुताबिक जावेद के मोबाइल से कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे साबित होता है कि इस उपद्रव की जानकारी जावेद को पहले से थी और उसकी बेटी आफरीन जो दिल्ली में पढ़ाई करती है उसकी भी इस मामले में जांच की जा रही है। के आधार पर एक जो जावेद पंप नाम का आदमी है, पंप का व्यवसाय करता है इसलिए पंप इसको कहते हैं, और इसका नाम मोहम्मद जावेद है, इसको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ किया गया है। इसने बताया कि इसने मोबाइल व्हाट्सएप में देखा गया तो भारत बंद का आह्वान किया गया है इसके द्वारा, और अटाला जो ये जगह है वहाँ पहुँचने का भी आह्वान किया गया है। पूछताछ में इसने बताया कि इसकी एक बेटी है जो JNU में पढ़ती है, उसके द्वारा भी इसको राय मशवरा दिया जाता है। पुलिस इस पहलू पर जाँच कर रही है कि क्या राय मशवरा दिया जाता है। उसके मोबाइल से कई नंबर डिलीटेड भी हैं, व्हाट्सएप से डिलीटेड हैं, उनको भी रिकवर कराने के लिए मोबाइल्स को FSL भेजा जाएगा। इसमें एक बड़े पैमाने पर यहाँ पे साजिश रची गई ऐसा शुरुआती चीज़ों में छानबीन में आ रहा है। टाले पर बच्चों को आगे करके जिस तरह से पथराव किया गया उससे पुलिस की चिंता बढ़ गई है। पुलिस को पूरी आशंका है कि ये बवाल तुरंत वाला नहीं था बल्कि इसकी रूपरेखा कई दिन पहले तैयार की गई थी। पुलिस अब उन लोगों पर शिकंजा कसेगी जिनके ऊपर भीड़ न लगने देने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें AIMIM के कई नेता शामिल हैं। अटाला इलाके में हुए उपद्रव के बाद आज दूसरे दिन माहौल शांत रहा। अटाला की सभी दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर सिर्फ फोर्स ही फोर्स गश्त करती रही। इस तरफ आने का था लेकिन हमें इस चीज़ का आइडिया भी था तो हमने पर्याप्त फोर्स लगा रखी थी और उन सभी को हम लोगों ने जो गलियाँ वहीं पर कंटेन किया। जब वे आगे नहीं आ पाए तो फिर धीरे धीरे उन्होंने पथराव शुरू किया, उसके बाद हल्के बल प्रयोग से हमने उनको सबको हटाया भी है। उसके बाद FIR लॉन्च कर लिया गया है और अब तक 68 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारी सोशल मीडिया पर पूरी नज़र है और हम लोगों की काफ़ी बड़ी मात्रा में फोर्स डिप्लॉयड है। मजिस्ट्रेट यहाँ तैनात है, हर चीज़ की हम लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं, सारी चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं, जितनी भी स्थितियाँ हर चीज़ पर हम लोग ध्यान रख रहे हैं और कुछ कुछ शॉप्स यहाँ ओपन। आज RAF की टीम अटाले की गलियों में जाकर चेक किया और उन घरों की पहचान करने की कोशिश की जिन घरों से पत्थर चलाए गए थे। इस मामले में पुलिस ने 60 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा है और 36 लोगों की लिस्ट PDA ने बनाई है। इन लोगों की संपत्ति की PDA जांच के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी, जिसमें नॉनवेज की कई दुकानें शामिल हैं। आज कुछ लोगों के घरों और दुकानों का चिन्हीकरण भी किया गया। अब इनके ऊपर PDA बुलडोजर चलाकर निर्माण को ध्वस्त करेगा। यहाँ सर्वे ये किया जा रहा है कि जो आरोपी लोग हैं उनके मकान जो हैं, मकान या दुकान जो भी है, उनका नक्शा हमारे यहाँ से पास है या नहीं पास है। अगर नहीं पास है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, उसका चिन्हीकरण किया जा रहा है। अभी 37 लोगों की लिस्ट है मेरे पास तो उन्हीं का चिन्हीकरण अभी किया जा रहा है। अभी तक जांच में क्या पाया? नहीं, अभी एक ही हुआ है, किया जा रहा है, अभी तो शुरू हुआ है, नहीं अभी उसका जानकारी में नहीं है। अच्छा, क्या चेक किया जाएगा? क्या फिर जो अवैध है निर्माण होगा? हाँ, जो नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी, शासन प्रशासन के निर्देशानुसार।